हाय किड्स, लास्ट क्लास हो तो आपने एंजॉय की होगी। लास्ट क्लास में मज़ा भी आया होगा, आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स वी डू एवरी डे। देखिए आपको मैं टेंस में पढ़ा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप ग्रेड वन से एक टेंस आ गया, हम लोग हमारे टाइम में ग्रेड थ्री से हमने टेंस पढ़ा है, आपको ग्रेड वन में मैं पढ़ा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, क्या करते हैं, स्लीप, वेकअप, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, रन, वॉक, ये सब चीज़ें। तो जब भी किसी ये सारे एक्शन वर्ब्स मैंने आपको बताए थे। एक्शन वर्ब्स क्या क्या होते हैं, डूइंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब, उनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, आप वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है। तो जब भी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आया, सिंगुलर नाउन ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी मैं वो चार्ट बता देती हूँ, मैंने बताया था आपको, इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, अभी मैं वो बना देती हूँ। उसके साथ अगर कोई भी एक्शन वर्ड हो, डूइंग वर्ब हो, तो हम उस डूइंग वर्ब में एस जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो चार्ट बनाती हूँ। सिंगुलर प्लूरल, I, we, you, he, she, it या कोई भी नेम आया और इसका यहाँ पे दे आ जाता है। इट मतलब कोई भी एनिमल, इट में आ जाएगा फ्रूट, वेजिटेबल, वे क्या कह रहे हैं, ही शी या फिर कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन देखिए, आई, मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि नाउन की जगह जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं, नाउन, मैं खुशबू, खुशबू नाउन हो गया, ठीक है, उसकी जगह मैंने यूज़ किया मैं, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो सिंगुलर में ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये भी नहीं होगा। तो कोई जो नेमिंग वर्ड्स आएंगे वो सिंगुलर नाउन होगा, समझ में आया। तो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन समझ गए, सिंगुलर नाउन क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आई, यू को छोड़कर कोई भी अगर सिंगुलर हो, मतलब एक हो, जैसा ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मटर्नल अंकल, मटर्नल आंटी, या कोई भी नाम हो, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा आप समझ जाओगे। बस ये समझो कि कोई भी आई, यू नहीं हो और सिंगुलर कोई भी एक चीज हो, तो उसके साथ हम लोग एस लगाते हैं डूइंग वर्ब्स में। इसको मैं रब करती हूँ। मैंने आपको कहा था ये चार्ट याद रखना है, चार्ट बहुत काम आता है, हर जगह काम आएगा ये चार्ट। और हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको रब कर देती हूँ। Ram wakes up early at the morning. Ram early in the morning जगता है, wakes up, wakes up क्या हो गया, doing verbs हो गया। doing verbs हमने एस लगा दिया, क्यों लगाया, he, she, it या फिर कोई singular noun। ये देखिए राम आ गया singular noun। I go to office at 10 o'clock। ये देखो मैंने go में goes नहीं लगाया है, क्यों, क्यों, this is I, this is not a noun, दिस इज अ प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन के साथ ही, शी, इट या फिर कोई नाउन हो उसके साथ ही हम लोग एस लगाते हैं। द सन साइन साइंस इन द
स्काई. सन क्या है? नाउन है. ही शी इट या कोई नाउन. दिस इज अ नाउन. तो हमने साइन के साथ एस लगाया. सन स्काई में चमकता है. स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट. देखिए मैंने एस नहीं लगाया क्यों. स्टार है. स्टार्स. स्टार्स मीन्स ये प्लूरल हो गया. दिस इज नॉट अ नाउन. अगर किसी एक स्टार की बात होती तो मैं ट्विंकल्स बोलती. एस यहाँ लगाती. ठीक है, इतना समझ में आया. तो मैं आपकी बुक से आपको एग्जांपल्स करवा देती हूँ. ये देखो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. राम एंड हरी टॉक टू देयर अंकल. यहाँ पे मैंने एस नहीं लिखा, टॉक लिखा. क्यों? क्योंकि राम एंड हरी, दिस इज नॉट सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दो लोग हैं. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन में बताया था, कोई भी एक समान हो तो दैट इज सिंगुलर, एक से ज्यादा हो तो दैट इज प्लूरल. We play together. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. क्यों? वी है. वी इज प्लूरल. ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन मैंने बताया था. सबसे पहली बात दिस इज प्रोनाउन नॉट अ नाउन. दूसरी बात दिस इज प्लूरल. ठीक है, एग्जाम्पल करवा देती हूँ आपकी बुक से. गिरीश ईट्स लंच एट 1 o'clock. ईट्स खाता है. गिरीश सिंगल है तो सिंगलर हो गया, वो ईट करेगा. आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग. मैं इवनिंग में अपना होमवर्क करता हूँ. आई आई इज नॉट अ नाउन, दिस इज प्रोनाउन. तो डू होगा, एस नहीं लगेगा. सोना ड्रिंक्स ड्रिंक अ मिल्क ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. एस लग जाएगा. सोना इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन. ठीक है, ही शी इट के साथ नेम. फादर टेक अस टू द जू. टू द जू एवरी संडे. फादर इज सिंगुलर, फादर एक होता है तो टेक्स. ठीक है, द गर्ल वॉक हर डॉग एवरी डे. वॉक में एस लग जाएगा. गर्ल एक है, सिंगल है तो एस लग जाएगा. दिस इज सिंगुलर नाउन. किरण ब्रिंग्स अ बैट एंड अ बॉल. किरण इज सिंगुलर नाउन तो ब्रिंग्स हो जाएगा, एस लग जाएगा. किरण्स फादर मेक्स बिग पेपर एरोप्लेन. बिग पेपर एरोप्लेन्स. ठीक है, मेक्स एस लगेगा क्योंकि सिंगल है. किरण के फादर एक हैं, सिंगुलर नाउन है. वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एरोप्लेन्स. वी दिस इज नॉट अ सिंगुलर एंड दिस इज अ प्रोनाउन. तो वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एरोप्लेन. ठीक है, प्रियाज मदर टोल टेल हर स्टोरी एवरी नाइट. तो प्रियाज मदर सिंगल है, सिंगुलर नाउन तो टेल्स हो जाएगा, एस लग जाएगा. ठीक है, बस यही था. आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्रैक्टिस के लिए. कुछ फंसो पूछ लेना. आज के लिए मेरे को लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, चलो बाय.